छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भाजपा नेता पर हुए हमले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विधायक विक्रम मंडावी और भाजपा नेता महेश गागड़ा इस मामले में आमने सामने आ गए हैं। विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर गंदी राजनीति करने और भाजपा नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। मामले में देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के आरोप पर कांग्रेस से स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि कुटरू की घटना को नक्सली बताकर भाजपा राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। इसके लिए पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाजपा के 15 साल के शासन में किस तरह महेश पुजारी, जगदीश कुंड्रा और रामसाय मज्जी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता नक्सली घटनाओं में मारे गए, लेकिन कांग्रेस ने कभी अपने लाभ के लिए इस पर राजनीति नहीं की। जिले में लगातार नक्सली घटनाओं के नाम पर जो लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार इन कांग्रेस नेताओं को के खिलाफ जो षड्यंत्र रहे, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। भाजपा का जो षड्यंत्र, भाजपा को जो जिस तरीके से जो माहौल पैदा कर रहा था कुटरू घटना के बाद में, ये स्पष्ट हो गया कि वे आपसी घटना को भी नक्सल घटना बताकर जिले में डर, भय और माहौल जो पैदा कर रहे हैं, ये उजागर जनता के बीच में, आप सबके बीच में हुआ है। मामले में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने में असफल नजर आ रही है। भाजपा विधायक विक्रम मंडावी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, इसलिए विधायक और कांग्रेसी नेता उससे बौखलाकर गंदी राजनीति करते हुए भाजपा नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमलेश मंडावी पर हमला कांग्रेस की बौखलाहट को उजागर करता है। पूरे मुहिम में साथ में विजिट में थे अपने जिला उपाध्यक्ष कमलेश मंडावी को, आक्रमण भी हो जाता है। हमने तत्काल में आरोपी लगाया, पुलिस रेल बात भी किए, पकड़ा गया। आज सुबह भी हम जाके आए हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय पार्टी के लोग जनता साथ मिलकर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर इस सब के पीछे भी एक साजिश तहत हमला हो रहा है और घटनाएं निर्मित हो रही है। बीजापुर में भाजपा नेताओं पर हो रहे हमले पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी हमले हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। मामले में जमकर राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप से जिले की सियासत गरमाई हुई है। INH 24/7 के लिए बीजापुर से गणेश मिश्रा की रिपोर्ट।